गेरे नहीं ना लिए ने लिए फिर तू तू आन के रहा है कि भाई किसी ने नीचे किसी जानवर वगैरह ने बिल्कुल बना के इसको बेड को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया, उस वजह से नीचे ये सारा बेड फंस गया था, इस वजह से ये चीज़ यहाँ पे हुआ है। अभी हमने पीछे इरिगेशन विभाग से हमने बात कर ली है और पीछे अंटा हेड से इसको पानी कम करवा रहे हैं, थोड़ा बहुत पानी हासी ब्रांच में डाइवर्ट होगा, कुछ नई नाला में डाइवर्ट होगा, तो होपफुली 50-60% पानी जब कम हो जाएगा उसके बाद हम अपनी प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। इन द मीन वाइल हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ पेड़ वेड़ डाल के कट्टे वट्टे डाल के इस पानी को फ्लो को थोड़ा सा कम किया जाए, लेकिन असली प्लगिंग तो तभी स्टार्ट होगी जब पानी थोड़ा सा पीछे से कम हो जाए। तो कितने फसल में जो अभी तक नुकसान होगा, अभी हम आकलन कर रहे हैं कि यहाँ पे कितनी फसल में नुकसान होगा, लेकिन हमने यहाँ पे देखा आइडिया लिया है कि आगे जाके एक ईसापुर खेरी ड्रेन, जिससे फ़ायदा ये होगा कि उस ड्रेन से पानी थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा तो आबादी में पानी होपफुली नहीं जाएगा। तो फसलों में कितना नुकसान है, फसलों का एक बार आगे अभी चल रहा है, हम एक बार यहाँ पे चेक करेंगे कितना आगे आगे फसलों में नुकसान होगा। अभी एक बार अभी प्लगिंग हुई ही नहीं है, जैसे जब प्लगिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद हम टोटल फाइनल एस्टीमेट आपको बता पाएंगे। तो इससे पहले भावड़ गाँव में भी इसी तरह का जो है मामला सामने आया था, भावड़ गाँव में भी हमने 5-6 घंटे में प्लग को ब्रिज को प्लग कर दिया था, उसमें भी कुछ प्रमुख वैसे यही बता रहे थे कि कोई मिसचीफ है यहाँ पे, वो मामला हमें नहीं लग रहा है, और मिसचीफ को एक बार आइडेंटिफाई करने के लिए रिवेन्यू ऑफिसर्स की और इरिगेशन ऑफिसर्स की एक जॉइंट कमेटी बनाई गई है जो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से हम देखेंगे। कब तक सर ये पूरा बचाव हो पाएगा? अभी होपफुली हम कोशिश करेंगे कि 5-6 घंटे में सारा जितना भी ब्रिज है ये प्लग हो जाए, तो हमारा यही कोशिश है।